Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar amri ट्रांसलेशन दिन एक्सप्रेशन पहले स्टेप को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जिसमें डी एन एट इज जीन वहां से एक इन्फॉर्मेशन कॉपी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरने और उसके बाद फिर वो मैसेंजर आरने राइबोसोम के साथ आकर इंटरेक्ट करता है और उस मैसेंजर आरने के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है दैट इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम इनटू अ पॉलीपैप्ट चेन तो ट्रांसलेशन इसको आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक तो आप इसको ये कह सकते हैं कि दिस इज कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ एम आर एन ए इंटू सीक्वेंस ऑफ अ एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक तरफ आप इसको यूं डिफाइन करेंगे कि दिस इज कन्वर्जन ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन एम आर एन ए जो कि एक्चुअली एम आर एन ए ने सीक्वेंस को ऑप्टेन किया फ्रॉम द डी एन ए क्योंकि डीएनए के पास एक्चुअल सीक्वेंस होता है इन्फॉर्मेशन असल में डीएनए के पास होती है जो कि कॉपी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आर सो द कन्वर्जन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एम इनटू द सीक्वेंस ऑफ 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 एसिड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड या फिर आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड अकॉर्डिंग टू द इनफॉर्मेशन ऑफ एम आर एन ए ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एम ठीक है दोनों तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं सो ट्रांसलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एम आर एन ए आप यूं समझ लें कि सीक्वेंस ऑफ एम आर एन ए आप यूं समझ लें कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन एम आर एन ए एक लैंग्वेज है और सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड ये एक और लैंग्वेज है तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन हो रही है इस वजह से इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं या दूसरी तरफ आप इसको यूं भी कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन एम आर एन ए ट्रांसलेशन प्रोसेस भी दरअसल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है लेकिन हम अपनी आसानी के लिए अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे ताकि हमें ये सारी कहानी समझ में आ सके तो सबसे पहला स्टेप जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड <coughs> बेशक हम इस स्टेप को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसलेशन में लेकिन आप याद रखिए कि यह स्टेप थ्रू आउट द ट्रांसलेशन जारी रहेगा यानी जैसे जैसे पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज होती रहेगी तो अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ेगी पॉलीपेप्टाइड को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए और उसी के साथ अमाइनो एसिड एक्टिवेट होकर वहां पर आते रहेंगे तो ये स्टेप बेशक हम डिस्कस सबसे पहले करें लेकिन आपने याद रखना है कि थ्रू आउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस ये स्टेप कंटिन्यू रहता है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्टिवेशन ऑफ अ एसिड एक्टिवेशन से मुराद क्या है एक्टिवेशन ऑफ अ एसिड को आप यू डिफाइन कर सकते हैं कि द सिंथेसिस ऑफ अ माइनोसिली आर ए कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस of amino cell tRNA complex. Amino cell tRNA complex. Synthesis of amino cell tRNA complex is called activation of amino acid. What is amino cell tRNA complex? There is a amino, amino cell tRNA complex is the combination of amino acid and the tRNA. When amino acid इज़ कम्बाइंड विद इट्स टी आर एन ए दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अमाइनोसिल टी आर ए कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रांसफर आर एन ए मॉलिक्यूल ये ट्रांसफर आर ए की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ठीक है इसको हम इस तरह से डाइग्रामेटिकली शो करते हैं दिस इज ट्रांसफर आर ए मॉलीक्यूल और इस ट्रांसफर आर ए मॉलिक्यूल के साथ ये अमाइनो एसिड की अटैचमेंट जब हो जाएगी तो अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आर का ये कम्बिनेशन दरअसल अमाइनोसल टी आर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा दिस इज अमाइनो एसिड और दूसरी तरफ ये जो आपको थोड़ा सा बेंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज इनफैक्ट ट्रांसफर आर सो ट्रांसफर आरएनए और अमाइनो एसिड का ये जो कलेक्शन बनाए ये कॉम्प्लेक्स बनाए इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं अमाइनोसिल्डीआर ने कॉम्प्लेक्स और इस अमाइनोसिल्डीआर ए कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन दरअसल एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड कहलाएगी क्योंकि जो अमाइनो एसिड फ्री होगा अपने टीआरएनए ने के साथ वो अटैच नहीं होगा वो इनएक्टिव तस्वर किया जाएगा और जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच हो जाएगा दैट अमाइनो एसिड विल सपोज टू बी एक्टिव अमाइनो एसिड और वो अमाइनो एसिड ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाएगा ठीक है तो ट्रांसफर आरने के साथ इसकी अटैचमेंट होनी है लेकिन इससे पहले कि इसकी ट्रांसफर आरने के साथ अटैचमेंट में आपको एक्सप्लेन करूं यहां पर आपको याद रखना है कि ट्रांसफर आरने मॉलिक्यूल बुनियादी तौर पर अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें ना तो ट्रांसफर आरने मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको कुछ यूं दिखाई देता है ट्रांसफर आरने मॉलिक्यूल होता तो सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है लेकिन इसके कुछ हिस्से जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स पर मुश्तम होते हैं उनमें पेयरिंग होने के बाद एक डबल स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगी देखो ये कुछ इस तरह से आपको ट्रांसफर आरने का स्ट्रक्चर नज़र आएगा ट्रांसफर आरने आप देख रहे हैं कि ये एक सिंगल स्टैंड पर मुशतम है ये इसका थ्री प्राइम एंड है और ये इसका फाइव प्राइम एंड है तो ये सिंगल स्ट्रैंड है लेकिन इसके जिस जिस जगह में कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, उस उस जगह पर यहां इस तरह पेयरिंग बनी हुई दिखाई दे रही है और इस बेस पेयरिंग की वजह से आपको ये क्लोवर लीफ शेप का स्ट्रक्चर शो करता हुआ नजर आ रहा है दिस क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर इज एक्चुअली टू डायमेंशनल डायग्राम ऑफ द ट्रांसफर ने क्लोवर लीफ शेप क्लोवर लीफ ये जो लॉन्ग नहीं होता लॉन्ग उसका जो लीफ है उसकी शेप ऐसी होती है तो क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर ये इसकी टू डायमेंशनल डायग्राम है दिस इज इट्स टू डायमेंशनल व्यू टू डायमेंशनल व्यू अगर हम इसकी थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनाएं तो वो थ्री डायमेंशनल डायग्राम इस तरह से बनती है यानी थ्री डायमेंशनली या आप अगर इसको देखें तो ये आपको इस तरह से करके नजर आएगा ये देखिए तो थ्री डायमेंशनल डायग्राम आपको इसकी इस तरह से नजर आ रही है असल में ये थोड़ा सा ये जो आर्म है इसका ये थोड़ा यूं कर्व्ड होता है और ये लोअर आर्म और ये दो साइड के आर्म्स सा आपको नजर आ रहे हैं तो इसकी थ्री डायमेंशनल डायग्राम इस तरह से बनेगी दिस इज इट्स थ्री डायमेंशनल व्यू आपने यी फर्स्ट ईयर में बायो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर ये स्ट्रक्चर इसका पढ़ा होगा इसमें जो खास चीज आपने याद रखनी है ना वो ये कि ये जो थ्री प्राइम एंड आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर अमाइनो एसिड की बाइंडिंग होगी थ्री प्राइम एंड यूजुअली इंटरेक्ट विद अ माइनो एसिड ठीक है अमानो एसिड इज अटैच एट द थ्री प्राइम एंड और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल अपोजिट आर्म के ऊपर ये आर्म जिसके साथ अमाइनो एसिड की अटैचमेंट होनी है इस आर्म को कहते हैं एक्सेप्टर आर्म ये है एक्सेप्टर आर्म लेकिन इसके बिल्कुल जो अपोजिट आर्म होता है ना उस आर्म को कहते हैं एंटी कूडान आर्म एंटी कूडान आर्म यहां पर एक लूप बनी हुई है उस लूप में टोटल सेवन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं ये टू इस साइड पर टू इस साइड पर थ्री सेंटर के अंदर तो ये जो थ्री सेंटर में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं दीज आर एक्चुअली दीज थ्री न्यूक्लियोटाइड कलेक्टिवली कॉल्ड एज एंटी कोडान ये ट्रिपलेट है न्यूक्लियोटाइड का और इसे एंटी कहा जाता है जैसे ये यहां पे इस जगह पे एंटी कोडान दिखा है जैसे ये यू एक एंटी कोडान यहां पे हमने बना के दिखा है दरअसल एंटी कोडान ये कोडान का बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा एंटी कोडान इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडान कोडान का जो भी सीक्वेंस होता है उसका ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा मिसाल के तौर पर ये यू ए सी किस कुडान का कॉम्प्लीमेंट्री है तो अगर किसी जगह पर कुडान ए यू जी प्रेजेंट हो जैसे ए यू जी तो आप देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अगर हम बनाएं आर एन ए के अंदर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या बनेगा ए के अगेंस्ट क्या आएगा ए के अगेंस्ट यू आर एन ए के अंदर ए के अगेंस्ट यू आता है और यू के अगेंस्ट ए आएगा और जी के अगेंस्ट सी तो आप देख रहे हैं कि इस AUG का ये एंटी कुडान बन गया है ठीक है तो जितने भी कुडान है ना हर एक कुडान का एक एंटी कुडान होता है और वो एंटी कुडान हमेशा ट्रांसफर आने के पास मौजूद होता है जबकि कुडान्स किसके पास होते हैं वेयर कुडान्स आर फाउंड मैसेंजर आरएनए के पास ये बात ध्यान में भी रखिएगा इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि कुडानस हमेशा मैसेंजर आरएनए में मौजूद होते हैं डीएनए में नहीं होते डीएनए के अंदर तो मास्टर कोड है उसके अंदर उसके अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन जब कॉपी हो जाती है मैसेंजर आरएनए के अंदर तो मैसेंजर आरएनए में वो इंफॉर्मेशन कुडांस कहलाते हैं और इन कुडानस के कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज होते हैं ट्रांसफर आरएनए के पास और उन कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंसेज को एंटी कूडांस कहा जाता है कल मैंने आपको दो तरह के कड़ानस बताए थे याद करें दो ग्रुप्स कौन से कड़ानस के प्राइमरली वी कैन डिवाइड कड़ानस इंटू टू ग्रुप्स सेंस कड़ानस एंड नॉन सेंस कड़ान तो जितने भी सेंस कुडान्स हैं हर एक का कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कुान ज़रूर होगा लेकिन जो नॉन सेंस कड़ान है ना उसका कोई एंटी नहीं होता ठीक है उसका कोई एंटी कुडान नहीं होता मिसाल के तौर पर अगर आप याद करें आपको स्टॉप कुडान में नॉन सेंस जो एग्जाम्पल दी थी उनमें कौन सी एग्जाम्पल आपको याद है यू ए जी वन ऑफ द नॉन सेंस कुडान ठीक है ये स्टॉप कुड़ान है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा तो यू ए जी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ये होगा कि यू के अगेंस्ट ए आ जाएगा और ए के अगेंस्ट यू आ जाएगा ठीक है और जी के अगेंस्ट सी आ जाएगा तो ये ए यू सी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दिस कूडान बट अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज द एंटी कुड़ान ऑफ यू ए जी तो आपने फिर ये ए यू सी को पिक नहीं करना समझ आई बात ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि जो नॉन सेंस कुडान होते हैं उनका एंटी कुडान कोई नहीं होता यानी कोई ऐसा ट्रांसफर नहीं है जिसके पास किसी स्टॉप कुड़ान का एंटी कुडान प्रेजेंट हो तो इस वजह से स्टॉप कुडान्स के एंटी कुडान्स नहीं होते लेकिन स्टॉप कुडान के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस आपसे अगर पूछे जाएं तो वो आप बता सकते हैं जैसे अगर आपसे UAG का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछा जाए कि विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ यू तो आप आंसर पिक करेंगे एयू बट अगर आपसे पूछा जाए विच वन इज द एंटीगोडान ऑफ यू ए जी तो फिर नन ऑफ देम की तरफ आपने जाना होगा अंडरस्टैंड yes. जी एंटीकोडानी yes. देखो कॉम्प्लीमेंट्री तो एक जनरल टर्म है ना यानी यू के कॉम्प्लीमेंट्री क्या सीक्वेंस आएगा ए आएगा ए के अपोजिट यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा यू आएगा और जी के अगेंस्ट सी आ सकता है ठीक है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो है कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि यूएजी का एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बताओ क्या हो सकता है तो आपने ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बता दिया लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि यू ए जी का एंटीकुडान क्या होगा एक स्पेसिफिक सेंस है यानी एंटीकुडान एक कॉन्सेप्ट का नाम है एंटीकुडान एक ऐसा ट्रिपलेट होता है जो ट्रांसफर आरएनए के पास होता है और वो कुडान का कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है ठीक है तो अब चूंकि ए कोई भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिपलेट नहीं है जो किसी ट्रांसफर आरएनए के पास मौजूद हो इस वजह से ए इसको आप एंटी कुडान नहीं कह सकते ये कॉम्प्लीमेंट्री तो है बट दिस नॉट विल सपोज टू बी एंटी कुडान समझ ये बात एंटी कुडान टर्म एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है एंटी कुडान आर ऑलवेज फाउंड इन द टीआरएनए तो वैसे अगर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछा जाए वो तो जाहिर है आप बता सकेंगे तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि सवाल अगर यूं पूछा जाए कि विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ यूए तो आप कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तो बता देंगे लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि विच वन इज द एंटी ऑफ जी तो आप कहेंगे नन ऑफ ऑफ इज अंडरस्टैंड तो अदरवाइज जितने भी सेंस हैं उनके अगर आपसे एंटी कूडानस पूछे जाए तो वो आपने फॉरन से पिक कर लेना है जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो उसका एंटी कूडान होगा इज दैट क्लियर हाँ जी तो अब देखो ये ट्रांसफर आर ए मॉलिक्यूल जो है ना इस ट्रांसफर आर ए मॉलिक्यूल में जब अमाइनो एसिड की अटैचमेंट हो जाएगी तो इस तरह से अमाइनोसेल टी आर कॉम्प्लेक्स बनेगा और सिंथेसिस हाउ डज इट अकर जी देखिए इसमें एक्टिवेशन किस तरह से होगी सबसे पहले अमाइनो एसिड एटीपी के साथ रिएक्ट करता है अमाइनो एसिड और ए को रिएक्ट करने के लिए जो एंजाइम यहां पर रिस्पॉन्सिबल है उस एंजाइम को कहते हैं स्पेसिफिक एक्टिवेटिंग एंजाइम ये एंजाइम बेसिकली कहलाता है अमाइनोसेल टी आर सिंथीटेज एंजाइम अमाइनो सेल टी आर एन ए सिंथीटेज एंजाइम दिस अमाइनोसेल टीआरएनए टी आर ए सिंथीटेज इंजाइम ल्सो नोन एज एक्टिवेटिंग एंजाइम तो ये एक्टिवेटिंग एंजाइम माइनो एसिड और एटीपी को आपस में रिएक्ट करवाते हैं एटीपी के पास आप जानते हैं तीन फॉस्फेट ग्रुप्स हैं आउट ऑफ दो थ्री फॉस्फेट ग्रुप टू ऑफ आर रिमूव्ड और ये जो टू फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहे हैं वो ये आपको पी नजर आ रहे हैं पी पी आई टू इन फॉस्फेट्स टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स को पायरो भी कहते हैं ठीक है टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑल्सोनोन एस पायरो फॉस्फेट टू इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स आल्सोनोन पायरो इस तरह से यह टू इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट इस एटीबी में से निकल जाएंगे और बकाया क्या बच गया एटीबी में एडीनोसिन ट्रायफॉस्फेट से अब दो फॉस्फेट निकलने के बाद एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट ए एम पी तो ए एम पी अब एसिड के साथ लिंक हो जाएगा और अमाइनो एसिड के साथ जब ए एम पी लिंक हो जाता है नाउ इट बिकम्स अमाइनो एसिड ए एम पी कॉम्प्लेक्स तो अमाइनो एसिड ए एम पी कॉम्प्लेक्स ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड कहलाता है यानी ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है विच इज नाउ रेडी टू रिएक्ट विद विद्रांसफर आर ने असल में तो फाइनली अमाइनोसिलिटी यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है ना तो अमाइनोसिलिटी यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए अमाइनो एसिड को पहले इस फॉर्म में लेकर आना है ताकि वो टीआरएनए के साथ रिएक्ट करने के काबिल हो जाए तो अमाइनो एसिड के साथ जब ए एम पी अटैच हो जाएगा तो अब ये एक्टिव अमाइनो एसिड बन गया और अब ये अमाइनो एसिड टी आर ए के साथ रिएक्ट करने के लिए रेडी है अब स्पेसिफिक टी आर ने मॉलिक्यूल जो इस अमाइनो एसिड को कैप्चर करने के लिए स्पेसिफिक होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पे हम वर्ड स्पेसिफिक टी आर ने क्यों यूज कर रहे हैं दरअसल यहाँ पर ये जो अमाइनो एसिड है ना अमाइनो एसिड जिस कुडान से इनकोड हो रहा है मिसाल के तौर पर एक कुडान है यहां पे मैं आपको कुडान का आइडिया देता हूं कि एक कुडान है मैसेंजर का ठीक है तो इज अ और आपको पता है कि यह कुडान कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है किस अमाइनो एसिड का यह कोड है आपको वो टेबल के अंदर मैंने कहा था कि चार उसमें से कुान जरूर याद कीजिएगा तीन तो स्टॉप कुडान थे और एक उनमें से मैंने ए यू जी के बारे में भी बताया था तो याद कीजिए इसका क्या रोल है और ये कौन से माइनोसिड को कोड करता है ये स्टार्ट कूडान कहलाता है और ये को कोड करता है ठीक है मेथियोनीन। तो ये को कोड करने वाला कोडॉन है अच्छा तो चूंकि ये ए यू जी को कोड करता है तो सपोज करो कि ये जो माइनो एसिड है सपोज करो कि ये मैथ्योनिन माइनो एसिड है सपोज दैट दिस इज मिथ्योनिन अमाइनो एसिड तो अगर ये मेथियोनीन टाइप का अमाइनो एसिड है तो इसको कैप्चर करने वाला जो टी आर होगा उस टी आर के पास लाजमी तौर पर जो एंटीकोडान होगा वो कौन सा एंटीकोडान होगा बताइए एयू जी का कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस क्या बनेगा एंटीकोडान इसका क्या होगा यू सी सी तो इस टीआर के पास लाजमी तौर पर होगा इस वजह से हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक टीआर इसके साथ रिएक्ट करेगा वो यहाँ पर प्रेजेंट है तो उस टी आर ने इस मिथ्युन अमायनो एसिड के साथ रिएक्ट करना है अंडरस्टैंड तो अगर यहां पर अमानो एसिड डिफरेंट होगा इसके मुकाबले में कोई और होगा तो डेफिनेटली कोई और टी आर ने उसके साथ रिएक्ट करेगा तो यू हर अमाइनो एसिड को कैप्चर करने के लिए एक स्पेसिफिक टी आर एन ए रिस्पॉन्सिबल होता है अच्छा जब ये टी आर एन ए अमाइनो एसिड ए एम पी कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन यहाँ पर वही अमाइनोसेल टी आर ए सिंथीटेज एनजाइम इन्वॉल्व होगा बट नाउ दिस टाइम दिस इन्जाइम इज नोन एज चार्जिंग एंजाइम ये एक्टिवेटिंग एंजाइम और चार्जिंग एंजाइम ये सेम एंजाइम है एंड दिस एंजाइम इज नोन एज अमाइनो सेल टी आर ए सिथीटेज इंजाइम तो अब ये अमाइनोसिल टी आर ए सिंथेटेज एनजाइम जो चार्जिंग एंजाइम कहला रहा है ये ए एम पी को यहाँ से रिमूव कर देगा और अमाइनो एसिड को इस टी आर ने के थ्री प्राइम एंड के साथ कनेक्ट कर देगा दिस इज थ्री प्राइम एंड एंड दिस इज फाइव प्राइम एंड तो मैंने अभी आपको कहा था कि ट्रांसफर आर के थ्री प्राइम एंड के साथ अमाइनो एसिड की अटैचमेंट हो जाती है वेन द अमाइनो एसिड इज लिंक्ड विद ट्रांसफर आर नाउ द ट्रांसफर आर इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर आर यानी जब तक इस ट्रांसफर आरने ने अपने साथ अटैच नहीं किया था तो ट्रांसफर ने अनचार्ज था और जब ये ट्रांसफर आर ने एसिड को अपने साथ अटैच कर लेता है तो अब यह चार्ज ट्रांसफर आर ने बन जाता है अब यह चार्ज ट्रांसफर ने राइबोजोम की सरफेस पर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो चुका है ठीक है तो इस पूरे इवेंट को कहा जाता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड ये एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड कहां हो रहा है वट इज द साइट ऑफ दिस एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड where does it occur to site of this event happen? Cytoplasm. cytoplasm this event this event occurs in the storehouse of the cell take ye event perform or a storehouse of the cell mein. and what is the storehouse of the cell cytoplasm storehouse cytoplasm is the storehouse of दैल साइटोप्लाजम तो साइटोप्लाज्म में यह सारा इवेंट हो रहा है वहां पर अमाइनो एसेड बिखरे पड़े होते हैं पहले अमाइनो एसेड को एक्टिव किया जाता है और उसके बाद फिर ट्रांसफर आने के साथ अटैच करके ये अमाइनोसिलीआर अमाइनोसिलीआर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया जाता है दिस इज कॉल्ड अमाइनोसिल कॉम्प्लेक्स तो हमने सबसे पहले ये इवेंट डिस्कस तो किया है लेकिन मैंने अभी आपको स्टार्ट में भी बताया था कि ये इवेंट थ्रू आउट द ट्रांसलेशन जारी रहेगा जितने भी एसिड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे वो वन बाय वन इसी तरह से अपने अपने ट्रांसफर आने के साथ अटैच होकर माइनोसिल्ड याने कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आते जाते हैं और फिर वो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते रहते हैं अब देखिए नेक्स्ट इवेंट हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशन में दिस नेक्स्ट इवेंट इज़ नोन एज फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स हकीकत में ट्रांसलेशन का आगाज़ इस स्टेप से होता है फॉर्मेशन ऑफ़ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जैसे ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा तो ट्रांसलेशन बकायदा शुरू हो जाएगा और वो जो इवेंट अभी हमने डिस्कस किया था वो तो थ्रू आउट द ट्रांसलेशन जारी रहता है अब देखो ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किसको हम कह रहे हैं एक्चुअली होगा ये कि स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ एक माइनोसिल कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता है और एट द सेम टाइम मैसेंजर आर भी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ रिएक्ट करेगा ठीक है ये दो चीजें एट अ टाइम इसके साथ रिएक्ट करती हैं यानी इसको मैं अलग करके यहां पर तो ये इवेंट कंप्लीट हो गया है तब ये डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है अगर मैं इसको अलग करके दिखाऊं तो एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से यहां पर कि सपोज कीजिए कि ये है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम और इस स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ ये मैसेंजर आर रिएक्ट करने के लिए आ रहा है दिस इज मैसेंजर आर ये इसका फाइव प्राइम एंड एंड दिस इज इट्स थ्री प्राइम एंड और दूसरी तरफ एक ट्रांसफर आरएनए अपने अमाइनो एसिड के हमरा यहां पर रिएक्ट करने के लिए आ रहे हैं और ये ट्रांसफर आरएनए चूंकि पहला पहला ट्रांसफर आरएनए है तो इस ट्रांसफर आरएनए के पास मेथियोनीन अमाइनो एसिड होगा ठीक है क्योंकि पहला अमाइनो एसिड हमेशा मेथियोनीन होता है और उस मेथियोनीन के पास जो एंटीकोडॉन है वो यूएसी एंटीकोडॉन होगा ओके और मैसेंजर आरएनए का जो पहला फंक्शनल कोडॉन है वो कौन सा है एयूजी अच्छा अब ये देखिए ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ दोनों रिएक्ट करते हैं दिस इज स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम तो इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे और इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए यहां दो फैक्टर्स काम करते हैं दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड इनिशिएशन फैक्टर्स ये इसको भी यहां पर इनिशिएशन फैक्टर रिएक्ट करवाएगा और इसे भी एक इनिशिएशन फैक्टर यहां पर रिएक्ट करवाएगा सो विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स दे आर दे आर रिएक्टेड विद द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ठीक है अब आप देखिए फर्स्ट अमाइनोसिलीआर कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम विद द हेल्प ऑफ एन इनिशिएशन फैक्टर एंड सिमिलरली द मैसेंजर आरनेल्सो रिएक्ट विद स्मॉलर सब यूनिट ऑफ रॉबोजोम विद द हेल्प ऑफ एनअर इनिशिएशन फैक्टर दरअसल ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं ये इन्जाइम्स हैं जो मैसेंजर आरने को स्मॉलर सब यूनिट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और इसी तरह से इस माइनोसेंट कॉम्प्लेक्स को इस स्मॉलर सब यूनिट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन इन्जाइम्स का नाम है इनिशियशन फैक्टर्स तो ये दो इनिशिएशन फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वन इज़ नोन एज इनिशिएशन फैक्टर वन ठीक है ये फैक्टर टू तो जैसे ही ये messenger यहाँ पर smaller के साथ करेगा उसके ऊपर ये मैसेजर स्मॉलोल्टी कॉम्प्लेक्स भी अटैच हो जाएगा एंड आफ्टर द अटैचमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन ये इस तरह की डायग्राम बन जाएगी जो आपको ये इधर नजर आ रही है अब आप देखिए कि मैसेंजर आरएनए का जो पहला फंक्शनल कोडन था यू जी उसके ऊपर जो एंटीकोडान ट्रांसफर आरने का यू ए सी वो अटैच हो चुका है और इस तरह से ये ट्रांसफर आर्ने अपने हमरा हमरा ये MET का मतलब है मेथियोनीन उसके यहां पर अटैच हो चुका है ठीक है अच्छा अभी ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बना ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कब होगा वेन लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज ऑल्सो अटैच विद कॉम्प्लेक्स अब देखो इसके साथ ये लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम वो भी इसके साथ रिएक्ट करता है और इस लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को इसके साथ रिएक्ट करवाने में भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंजाइम इन्वॉल्व होता है और उस एंजाइम के साथ ये जी टी पी ए को इंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा है और इस तरह से ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंबाइन होकर कंप्लीट राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और इस तरह से ये जो कंप्लीट राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर मैसेंजर आर भी अटैच हो चुका है और फर्स्ट माइनोसिलिटी आर ने कॉम्प्लेक्स भी अटैच हो चुका है नाउ दिस होल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अब इसे क्या कहा जाएगा दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स सो इन दिस वे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन से अब ट्रांसलेशन का बाकायदा आगाज हो गया इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जैसे ही स्टेबलिश होता है ना तो राइबोसोम की सरफेस को हम तीन डिस्टिंक्ट रीजन में अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं सरफेस ऑफ राइबोसोम नाउ कैन बी डिफरेंशिएट इन टू थ्री डिस्टिंग रीजनस एंड वाट आर दो थ्री डिस्टिंक्ट रीजनस उन थ्री डिस्टिंग रीजन्स में एक रीजन है ए साइड ए ए फॉर अमाइनो अमाइनो सेल, सेल, अमाइनो सेल साइट इसे कहा जाता है दूसरा ये जिस जगह पर आपको नजर आ रहा है फर्स्ट अमाइनो सेल अमाइनोसिल कॉम्प्लेक्स इस जगह को कहते हैं पी साइट पी फॉर पी फॉर पेप्टाइडल पी फॉर पेप्टाइडल पेप्टाइडल साइट और इसके दूसरी तरफ एक और साइट आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड ई साइट ई फॉर फॉर एग्जिट साइट एग्जिट साइट तो इस तरह से द सर्फेसोम नाउ कैन बी डिफ्रेंशियड इन टू थ्री एंड तीनों डिस्टिंक्ट रीजन डिफरेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन याद रखिए आपसे अगर पूछा जाए किसी क्वेश्चन में फर्स्ट एमाइनोसिलीआर कॉम्प्लेक्स राइबोजोम की किस साइट के ऊपर आकर अटैच होता है या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स राइबोसोम की किस साइट के ऊपर बिल्ट होता है तो आपने पी साइट का नाम लेना है फर्स्ट अमीनोसिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स की अटैचमेंट पी साइट पर होती है या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स राइबोसोम की किस साइट के ऊपर एस्टैब्लिश होता है पी साइट के ऊपर पेप्टाइडल साइट अभी मैं आपको इनका रोल बताऊंगा कि इन तीनों साइट्स का स्पेसिफिक रोल क्या है लेकिन बहरहाल

सपोज कीजिए सपोज कीजिए अभी आप इसको इग्नोर कर दें कि ये ये जो चेन आपको नजर आ रही है ना अभी आप इस चेन को इग्नोर कर दें सपोज कीजिए वो जो पहला अमाइनोसिल टीआर कॉम्प्लेक्स था वो पी साइड के ऊपर मौजूद है यहाँ पे ठीक है अभी आप इसको इग्नोर कर दें फिलहाल तो ये फर्स्ट टी कॉम्प्लेक्स है जो कि पी साइड पर मौजूद है और अब क्या होने जा रहा है अब ये होने जा रहा है कि ए साइड के ऊपर ये आपको पता है ना ए साइड है दिस इज एक्चुअली ए साइड तो इस ए साइड पर मैसेंजर आरने का जो कोडॉन यहाँ पर एक्सपोज होगा उस कोडॉन का एंटी कूडान रखने वाला एक ट्रांसफर आरने अपने माइनो एसिड के हमरा यहाँ पर आकर रिएक्ट करेगा सपोज कीजिए कि यहाँ पर ए साइड पर इस वक्त जो कोडॉन एक्सपोज हुआ है वो कोडॉन है ए सी सी अगर ए सी सी यहाँ पर कोडॉन है तो बताइए कि एंटी कोडान क्या होना चाहिए तो एंटी मस्ट बी यू जी जी तो ये यू जी जी एंटी कूडान रखने वाला ट्रांसफर आर ने ये इस ए साइट पर मौजूद कूडान के साथ आकर इंटरेक्ट करेगा इसको यहाँ पर रिएक्ट करवाने के लिए भी एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है दैट फैक्टर इज नोन एज एलोंगेशन फैक्टर सो विद द हेल्प ऑफ एलोंगेशन फैक्टर दिस न्यू अमाइनोसिलिटी यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्ट विद मैसेंजर आर एट ए साइट ठीक है राइबोसोम की ए साइट पर जो भी मैसेंजर आने का कड़ान है उसके साथ इसने रिएक्ट करना है याद रखो कि ये ए सी सी अगर ये मैसेंजर आरने में कहीं आगे भी मौजूद हुआ तो इस ट्रांसफर आरने ने उस जगह पे बाइंड नहीं करना बल्कि जो कुडान यहाँ ए साइट पर एक्सपोज होगा सिर्फ उसी को इसने रिकगनाइज करना है यूं समझ लें कि ये जो ए साइट है ना ये कुॉन को स्विच ऑन कर देती है जब तक कूडॉन ए साइड से पीछे होते हैं यहाँ पर उस वक्त तक वो कुडान यूं समझ लें कि स्विच ऑफ ने। जैसे ही कोई स्पेसिफिक कुडान ए साइड पर अपीयर होगा तो वो कुडान स्विच ऑन हो जाएगा और उस कुडान का एंटी रखने वाला ट्रांसफर आने भाग कराएगा और उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसको रिएक्ट करवाने के लिए यहां पर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा इलोंगेशन फैक्टर तो जैसे ही ये यह यहाँ पे रिएक्ट करता है एलोंगेशन फैक्टर की मदद से यहाँ पे ये यह रिएक्ट करता है तो ये शक्ल ऐसी बन जाएगी देखो ये इसके साथ अब ये रिएक्ट कर चुका है यहाँ पर और एलोंगेशन फैक्टर इसको रिएक्ट करवा के खुद यहाँ से निकल गया बात समझ में आई है आपको तो जैसे ही बेटे ये यह यहाँ पे रिएक्शन इसका कंप्लीट हो जाता है उसके अच्छा ये जो आपको बीच में ये जी और ये इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं ना ये दरअसल को एनजाइम्स हैं जो ये इलोंगेशन फैक्टर था ना इस इलोंगेशन फैक्टर के साथ ये को एनजाइम वर्क कर रहे होते हैं तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ और सेकंड अमाइनोसल्टी यान कॉम्प्लेक्स ये अपनी जगह पर अब बाइंड कर चुका है जैसे ये बाइंड हो जाता है तो उसके बाद फिर पी साइड का रोल शुरू होता है अच्छा ए साइड का रोल क्या हुआ ए साइड के रोल को हम क्या बयान करेंगे आप बताएंगे ए ए फॉर मैंने अभी आपको बताया ए फॉर अमाइनोसेल इसका पूरा नाम क्या है अमाइनोसेल साइट तो अमाइनोसिल साइट इसको क्यों कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ अमाइनोसिल साइट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में इन साइट्स के रोल पूछे जा सकते हैं तो आपने अमाइनोसिल साइट का रोल बताना है कि दिस साइट एडॉप्ट या दिस साइट प्रोवाइड्स द अटैचमेंट ऑफ न्यूली कमिंग -tRNA जितने भी पॉलीपैपेशन वाले फेज में अमाइनोसिल कॉम्प्लेक्सेज होंगे वो हमेशा किस साइट के ऊपर आकर अटैच करेंगे वो हमेशा ए साइट के ऊपर आकर अटैच करेंगे तो ए साइट का रोल आपने ये पॉइंट आउट करना उसके बाद अब आप देखिए कि पी साइट का रोल क्या है तो पी साइट अब यहां से एक एंजाइम ओरिजिनेट होगा पी साइट रिलीजेज एन एंजाइम नोन एज पेप्टाइडल पेप्टाइडल ट्रांसफ्रेज पेप्टाइडल ट्रांसफ्रेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफ्रेज एंजाइम दिस पेप्टाइडल ट्रांसफ्रेज एंजाइम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पी साइट ठीक है इसका सोर्स क्या है पेप्टाइडल ट्रांसफ्रेज एंजाइम ओरिजिनेट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम पी साइट ये पी साइट इसको रिलीज करती है यानी ये एंजाइम दरअसल राइबोसोम का पार्ट होता है राइबोसोम से ये निकलता है ठीक है ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफ्रेज है ये एक राइबोजाइम है आपने फर्स्ट ईयर में एंजाइम्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स का जिक्र पड़ा होगा जो आर एन ए के बने हुए होते हैं राइबोजाइम उनको कहते हैं सो दिस इज वन ऑफ द राइबोजाइम पेप्टाइडल पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज एंजाइम सो दिस एंजाइम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पी साइड एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गौर से सुनिएगा दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम एग्जिस्टिंग टी आर ने देखो पहले जो टी आर ने मौजूद था उसके पास एक अमाइनो एसिड मौजूद था ना या फिर हो सकता है कि अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू है तो उसके पास कोई चेन ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो ठीक है तो बहरहाल ये क्या करता है कि ये अमाइनो एसिड को या चेन ऑफ अमाइनो एसिड को फ्रॉम एग्जिस्टिंग टी आर ने यह शिफ्ट कर देगा टू द न्यूली कमिंग टी आर ने अब देखो न्यूली कमिंग टी आर ने उसके पास एक अमाइनो एसिड है तो ये यहां से इसको तोड़ेगा और इधर इस से इसको तोड़ के इसको, इसको इसके साथ अटैच कर देगा और जब ये यहां से टूट के इसके साथ अटैच होगा तो जाहिर है कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड वो यहाँ पे फॉर्म होगा तो इस इंजाइम ने चूंकि माइनो एसड को एक टी आर से रिमूव करके दूसरे टीआरए के माइनो एसड के साथ जोड़ा है बाय मींस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड देयर फॉर दिस इंजाइम इज नोन एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इंजाइम और इस पी साइट को पेप्टाइडल साइट भी इसी वजह से कहते हैं इसका रोल आप क्या बताएंगे दिस इज नोन एज पेप्टाइडल साइट बिकॉज इट ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमाइनो एसिड ठीक है वॉट इज द रोल ऑफ पी साइट इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ पैप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जब यह ट्रांसलेशन हो रही होगी जब पॉलीपेप्टोंगेशन होगी तो ड्यूरिंग पॉलीपैप्टलोंगेशन दो अमाइनोसाइड के दरमियान पैप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन दरअसल इस पी साइट के जरिए कंट्रोल होनी है तो इस वजह से इसका नाम पैप्टाइडल साइट रखा हुआ है समझ आ गई बात भाई ठीक है जी उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम तो आगे देखिए अब क्या हुआ ये आपको देखिए यहां से अब ये चेन डिटैच होकर इसके साथ अटैच नजर आ रही है देखो यहां से ये टूट गई और इसके साथ जुड़ गई है ठीक है अच्छा अब देखो आगे क्या होगा आगे ये इस डायग्राम में अगर आप गौर करें तो ये जो राइबोजोमल सब यूनिट्स है ना राइबोजोमल सब यूनिट्स दे बिगिन टू मूव एट दिस साइड असल में देखो ये है फाइव प्राइम एंड थ्री प्राइम एंड ऑफ द एम आर एन ए तो राइबोजोम सब यूनिट्स दे मूव स्लाइटली अलोंग लेंथ ऑफ एम आर एन एन एम आर एन ए के अलॉन्ग ये स्लाइड करते हैं स्लाइड देखो एम आर एन ए स्लाइड नहीं कर रहा बल्कि कौन स्लाइड कर रहे हैं राइबोजोमल कॉम्प्लेक्स जो है दोनों सब यूनिट वो उसके ऊपर यू स्लाइड करते हैं और जब राइबोजोम अलोंग देंथ ऑफ एम स्लाइड करेंगे तो इस इवेंट को कहा जाएगा ट्रांसलोकेशन What is this? This is known as translocation. What is translocation? Translocation is the movement of ribosomal subunits along the length of mRNA. Okay, what is translocation? The movement of ribosomal subunits along the length of

अब देखो जैसे जैसे ही ये मूवमेंट टेक प्लेस होती है ना ट्रांसलोकेशन जिसको कह रहे हैं तो इस ट्रांसलोकेशन में भी यहां पे एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है और ये उस इन, एंजाइम का को एन्जाइम है तो इस तरह से जैसे ये दोनों राइबोसोमल सब यूनिट यहां से ट्रांसलोकेट करते हैं तो आप जरा गौर कीजिए इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कि ये टी आर ने जिसने अपना माइनोसेट लूज कर दिया है वो टी आर ने पी साइड से अब ई साइड पर मूव कर गया देखो P से ई e पर और ई e पर पहुंचते ही यहां से धक्का लगाए और ये बाहर एग्जिट ई साइट को टी आर विच हैज फिनिश्ड इट्स रोल जो अपना माइनो एसिड यहां पर ड्रॉप कर चुका है उस टी आर को यहां से कि आउट किया जाता है फ्रॉम इन और जबकि ये जो अमाइनो एसिड ए साइड के ऊपर ये जो ट्रांसफर आर्ने अमाइनो एसिड्स की एक चेन के साथ ए साइड पर मौजूद है ट्रांसलोकेशन होने के बाद अब आपको ये कौन सी साइड पे नजर आ रहा है पी साइड के ऊपर ठीक है इन दोनों डायग्राम्स में आप कंपेयर कीजिए कि जो ट्रांसफर ने चेन ऑफ अमाइनो एसिड के साथ ए साइड पर मौजूद था अब ड्यू टू ट्रांसलोकेशन यानी मूवमेंट ऑफ राइबोसोम की वजह से वो तो ट्रांसफर पी साइड पर और जो ट्रांसफर आर ने पी साइड पर था वो ई साइड पर पहुंच कर वहां से एग्जिट हो गया और ए साइड पर एक नया कुडान अब एक्सपोज हो चुका है एक नया कुडान ठीक है तो अब देखो इस नए कूडान के ऊपर जो ए साइड पर एक्सपोज हुआ इस कुडान के ऊपर एज़ यूजल फिर दोबारा से एक स्पेसिफिक टी आर ने अपने अमाइनो एसिड के हमरा रिएक्ट करेगा और उसके बाद फिर दोबारा से ये सारा इवेंट रिपीट होगा उसके बाद फिर दोबारा से ये सारा इवेंट रिपीट होगा तो इस तरह से बार बार ये इवेंट्स रिपीट होते चले जाएंगे और रफ्ता रफ्ता मैसेंजर आर ने जो पहले देखो जब ट्रांसलेशन का आगाज हुआ था तो उस वक्त ये मैसेंजर आर ने इस तरह था यहां से ऐसे करके यूं अटैच हुआ और इस तरफ को निकला हुआ था ये इसका फाइव प्राइम एंड और ये थ्री प्राइम एंड तो एट द एंड अब आपको क्या नजर आएगा जब ये सारा ट्रांसलेट हो चुका होगा तो अब आपको ये डायग्राम यूं दिखाई देगी एट द एंड अब ये मैसेंजर ने ये इस तरफ को निकल चुका होगा यूं दिस इज थ्री प्राइम एंड एंड दिस इज फाइव प्राइम एंड समझ आ रही बात तो क्योंकि ये राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर रफ्तार रफ्तार आगे बढ़ता चला गया है और इसने पूरे मैसेंजर आरएनए को यूं ट्रांसलेट कर लिया है आपको ये पॉइंट समझ में आया मेरा दिस दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड गया तो ये इवेंट बार बार रिपीट होते रहेंगे और पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टोंगेट करती जाएगी ठीक है अच्छा बेटे देखो ये अभी शक्ल ऐसी है ना चेन की लेकिन इस जगह पर आप इसको जब बनाएंगे ना तो ये शक्ल ऐसी बनेगी देखो समझ आ रही बात क्योंकि वो चेन काफी लंबी बन चुकी है ना वो सारी यहां से ट्रांसलेट हुई है और ये जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो अभी ये एक एसिड था अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके एसिड जुड़ता जा रहा है राइबोसोम की सरफेस पर और पॉलीपेप्टाइड बन रही है तो ये डी कोडिंग थी ये क्या हो रही थी डी कोडिंग क्योंकि मैसेंजर आरएनए के पास मैसेंजर आने के पास इंफॉर्मेशन कोड्स की फॉर्म में थी और वो कोड्स यूं डी कोड होते जा रहे हैं और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड अपनी जगह पर आते जा रहे हैं और इस तरह से एक खास किस्म की पॉलीपेप्टाइड बन रही है अब देखिए आखिरी स्टेप क्या है द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन टर्मिनेशन स्टेप में हम दिखाएंगे देखिए कि इस वक्त ये मैसेंजर आने का थ्री प्राइम एंड जो है वो अप्रोच कर चुका है यहाँ पर ए साइड के करीब पहुंच चुका है और फाइव प्राइम एंड आगे निकल चुका है ठीक है और ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो चुकी है ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहां पे कंटिन्यूस है अच्छा उस वक्त इस वक्त जो है ना ये ए साइड के ऊपर आपको पता ये है ये ए साइड है दिस इज पी साइड एंड दिस इज ई साइड अच्छा तो ए साइड के ऊपर इस वक्त जो कुडान एक्सपोज हो रहा है ना जरा आप गौर कीजिए ये कुडान क्या है दिस इज यू ए जी आपको याद है ना यू ए जी क्या है दिस इज वन ऑफ द स्टॉप कुडान आपको पता है यू ए जी के अलावा दूसरे जो स्टॉप कुड़ान हैं यू ए ए या फिर यू जी ए इन तीनों में से कोई एक यहां पर मौजूद होगा ठीक है इन तीनों में से कोई एक यहां पर मौजूद होगा तीनों इकट्ठे नहीं होते कोई एक यहां पर मौजूद होगा जैसे ही इन तीनों में से कोई एक कुड़ान या ए साइड पर अपीयर होता है तो इस कुडान का आपको पता है कोई एंटी कुडान नहीं है मैंने अभी आपको समझाया ना कि स्टॉप कुड़ान का कोई एंटी कुडान है नो लिहाजा कोई भी टी आर ने यहां पर बाइंड नहीं करेगा कोई भी टी आर ने यहां पर बाइंड नहीं करेगा क्योंकि टी आर ने अपने एंटी कूडान की वजह से कुडान को रिक्नाइज करते हैं ना तो जबकि इस कूडान का कोई एंटी कुडान है ही नहीं तो इस वजह से कोई टी आर ने अब यहां पर बाइंड नहीं करेगा लिहाजा मजीद अमाइनो एसिड का एडिशन नहीं होगा बल्कि यहां पर क्या चीज रिएक्ट करेगी ये जो स्टॉप कुडान होते हैं ना दे आर रिकोगनाइज बाय रिलीज फैक्टर व्हाट इज रिलीज फैक्टर ये एक और एंजाइम है जो कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डिजोल्व कर देगा ये एंजाइम क्या करेगा रिलीज फैक्टर ये पूरे कॉम्प्लेक्स को डिजोल्व कर देगा यानी यूं समझ ले कि ये बॉम्ब है ये जैसे ये बॉम्ब यहां पे आके अटैच होता है ना तो एकदम क्या होगा ये देखो ये जैसे ही वो अटैच हुआ तो यूं रिलीज हो गई ट्रांसफर आर ने उसको किक आउट कर दिया और साथ ही राइबोसोमल सब यूनिट्स एक दूसरे से लैदा हो गए यानी सब तबाह बर्बाद हो गया तबाह बर्बाद नहीं हुआ बल्कि पॉलीपैप्टन जा चुकी है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स अब ब्रेक हो गया है समझ आ रही है बात तो ये रिलीज फैक्टर दरअसल इस कॉम्प्लेक्स को डिजॉल्व कर देता है ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से जुदा जुदा हो जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाती है ट्रांसलेशन इस तरह से खत्म हो जाती है तो आपने देखा कि स्टॉप को आर इन्वॉल्व इन द स्टॉप ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस ये आपने देखा ना कि ये इतने भी नॉनसेंस नहीं है जितना कि इनको नाम दिया गया नॉनसेंस सेंस ये दरअसल स्टॉप कुड़ान के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं और ट्रांसफर आरने के एंड पर ये प्रेजेंट होते ये मैसेंजर आने के एंड पर प्रेजेंट होते हैं और मैसेंजर आरने का ये स्टॉप कुड़ान जैसे ही ए साइड पर अपीयर होता है तो इसको एक रिलीज फैक्टर रिकग्नाइज करके इसके साथ रिएक्ट करता है और जैसे ही रिलीज फैक्टर रिएक्ट करेगा इस जगह पर तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाएगा एंड ट्रांसलेशन इज terminated dear viewers thank you for watching this video if you have not subscribed this channel kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from biology guardian and also do not hesitate to ask any question regarding this lecture my contacts are shown on the screen thank you once again